नमस्कार, खबर समेत जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बैराड़, शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील की टोरिया खालसा पंचायत का मजरा टोरिया पहाड़ी के निवासियों को सदैव घुटनों तक पानी में नदी से निकलकर गुजरना पड़ता है। बरसात में तो नदी का जलस्तर बढ़ने से तैर कर ही बैराड़ आ पाते हैं। टोरिया पहाड़ी की 600 से ऊपर बाशिंदों को अपने खेतों पर जाने, बैराड़ बाजार में सामान लेने या कृषि उपज विक्रय करने हेतु जाने में पार्वती नदी होने से करीब 5 किलोमीटर का फेर लगाकर दूसरे गांव से बैराड़ जाना पड़ता है। ग्रामीण राजविहारी परिवार उदयवीर राजौरिया का कहना है कि बैराड़ से टोरिया पहाड़ी पहुंचने के लिए नदी तक रोड बना हुआ है, लेकिन नदी पर पुल नहीं बनाया गया है। इसके लिए कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं। नदी पर पुल नहीं होने से एवं नदी में पानी होने से 12 महीने ग्रामीण परेशान रहते हैं। गांव में एम्बुलेंस एवं वाहन बाइक नदी में पानी होने के कारण नहीं जा पाते हैं। बारिश के मौसम में नदी में पानी अधिक होने से गांव के 2 बीमार व्यक्तियों को इलाज कराने नहीं ले जाने पर मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि हमारे गांव में पार्वती नदी के लिए पुल मंजूर हुआ, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण ग्रामीण भारी परेशान है। मेरा नाम रणबीर राजौरिया। तो क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी जी है, हमारा पुल नहीं बन रहा जी। हमारा पुल चाहिए यहाँ से, या रपटा कई बार मांग करी है, बस चुतिया बना देते हैं कि हाँ बनेगा। तो कब से खराब है ये रास्ता? 5 साल हो गए। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही। 2-5 सियाने आदमी मर गए था, सुनती नहीं है, एलआई की वजह से नहीं, रास्ता नहीं है। तो रास्ता खराब होने के चक्कर में तो चार लोग खत्म भी हो चुके हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ, टाइम पे पहुंच नहीं पाए। में बरसात में निकल नहीं पा रहे हैं। जो बिल बड़े से रोड आ रहा है, मंत्री है, इसी हमारी टोरिया के लिए रोड बना है, और जो पुल है उसका पैसा 2 लाख रुपया रोक रख के जो पुल के चक्कर में, ना तो पुल बना रहे और ना उस पैसे का कोई पता पड़ रहा। और गांव में भी मतलब जेसीबी से जो रोड बना, जब काम चला तो चबूतरा मिटा दे, वो भी आज मटेरियल डाले हैं। हाँ, पहले गुमराह कर दिया, मशीन चला दी, यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ कितने समय पहले काम चालू हुआ था? यहाँ पे 2 साल पहले काम चालू हुआ, पर आज तक खत्म नहीं हुआ। रोड बनाना, रोड बनाना, कुछ बनाना। और पैसे का क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं है पैसे का क्या कर रहे हैं, मतलब तब से आए भी नहीं है काम। नहीं, लोग रखे हैं, बस कहते हैं कि हाँ वो है पैसा, बस गिरेगा पुल, जो होगा गुमराह कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 60 लाख रुपए। अरे हमारे चाचा जी खत्म हो गए बैराड़ ले जाने के कारण, बीमार हो गए, मतलब नहीं ले जा पाए। किस कारण नहीं ले जा पाए आपने? जो नदी के कारण, जो पानी की रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता जाम है। कब से खराब है रास्ता? 5 साल था, तो 5 साल हो गए खराब। तो इस समस्या के बारे में आपने सरपंच सचिव या ऊपर आला से कह रही है, अवगत कराया? जो गुमराह कर देते हैं, हमको चूतिया बना रहे हैं। विधायक से भी कह लेंगे, सुरेश से 3-4 बार हम बाद में मतलब गए भी, मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं। कई समस्या में डिलीवरी कहते हैं तो लोग, अरे मैं ध्यान भूल जाता हूँ, तुम मतलब मुझे ध्यान उठा दे, मेंट चल रहा है रास्ता खराब हो गया। अरे बहुत समस्या रास्ता के कारण, मतलब अगर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा होता है औरत को, तो कहते रास्ता नहीं है, गाड़ी आने की जगह नहीं है, कहाँ से निकले? जर्नी एक्सप्रेस भी नहीं आ पाती है, ना मंडी को जा पाए क्या, ना कोई फसल बेच पाती है, कहीं रास्ता भी नहीं। देखो तो मुझे पानी करना पड़ रहा नदी में, बैलगाड़ी ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा। तो आप बरसात के टाइम क्या करते हो? बरसात के टाइम दूसरे गांव से आधे 15 किलोमीटर घूम के बिल भरा है, 5000 रुपये साधन वाला लेता है। यहाँ से पुलिपरा जाते हैं, पुलिपरा वापस बिलवाड़ा पहुँचते हैं, बिलवाड़ा टोरी आते हैं घूम के, कल 15 किलोमीटर फिर पड़ता है। जब हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो गाड़ी वाले हैं वो 3 गुना पैसा चार्ज करते हैं हमसे, 3 गुने जो गाड़ी वाले, रिक्शा है, टैक्सी वाले हैं, किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं, करोड़ के हिसाब से। तो इस समस्या के बारे में आपने किन किन को अवगत कराया है? 63 केड़ा सबको कराया, सरपंच को दिया, सेक्रेटरी को बताया, सरपंच को बुलाया और उसी के लिए बोला है, सिर्फ विधायक के लिए, मंत्री के यहाँ 2-4 बार घूमे आए हुए हैं। तो मंत्री जी क्या कहते हैं इस बारे में? मंत्री जी बोलता है कहाँ खरबा रहे हैं, हो रहा है काम, चल रहा है, और वोटो लगी जाके मंत्री कहता है यहाँ पर, मैंने 2 बार यहाँ से जिताया, वोट दिए उनके लिए, फिर भी यहाँ कोई समस्या नहीं है उनकी, ना सुनवाई कुछ कहीं से कहीं तक। बैराड़ से खबर समेत जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.